केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अब मनीष सिसोदिया बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। दरअसल आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, तो वहीं मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज की गई थी। तो इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान का नाम 19 करोड़ पाउंड के समझौते के मामले में उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सोमवार को ये बात की गई। वहीं एक न्यूज के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया गया था, फिलहाल कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसने ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी से करोड़ों पाउंड के हस्तांतरण और साथ ही 19 लाख पाउंड का समझौता मामला भी शामिल है। तो वहीं इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी है। खान को इसी महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी ने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म के रिलीज होते से ही इसके साथ विवाद जुड़ गया है। वहीं फिल्म को लेकर अब भी विवाद जारी है और अब कई सीनियर कलाकार और फिल्म मेकर इस फिल्म को लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं। हाल ही में कमल हसन ने इसे प्रोपोगेंडा फिल्म बताया था। अब इस कड़ी में अनुराग कश्यप का बयान सामने आया है, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अनुराग ने भी माना है कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। हम लाख फिल्में बना ले, अलग अलग तरीकों से समझा ले, जागरूकता फैला ले, लेकिन समाज में जड़ों की तरह जमी हुई महिलाओं के प्रति सोच खत्म होना बेहद मुश्किल है। भले ही ये कहा जाता है कि अगर लड़की ना कह रही है तो उसका मतलब ना ही है, लेकिन इस बात को समझ पाना पुरुष प्रधान समाज के लिए लगभग असंभव है। वो इनकार को अपने अहंकार पर लेता है और नतीजतन वो होता है जो दिल्ली की सड़क पर नजर आया, जब एक 20 वर्षीय युवक ने खुलेआम एक 16 वर्षीय लड़की की चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। उसका मन इतने से ही नहीं भरा तो उसने उसके सिर पर पत्थर तक पटक दिया। दर्जनों लोग इस घटना के गवाह बने। अब लड़के के गुस्से में आकर अपराध करने की बात भी कबूल कर ली है। एमएस धोनी ने बतौर कप्तान एक और आईपीएल खिताब जीत लिया है। आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अंतिम गेंद पर गुजरात टाइटंस को हराया है। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले धोनी और जडेजा के बीच विवाद की खबर आई थी। फाइनल के सीएसके को अंतिम दो गेंद पर 10 रन बनाने थे। जडेजा ने ही तेज गेंदबाज मोहित शर्मा पर पहले छक्का और फिर चौका जड़कर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। मैच की बात करें तो टाइटंस ने पहले खेलते हुए 214 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश के कारण सीएसके को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला था। आईपीएल के फाइनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।